नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में निकाली गई अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा, शहीदों और महापुरुषों को किया गया नमन। नाव पलटने से सुल्तानगंज में महिला की हुई मौत, मवेशी को चारा देने जा रही थे गंगा पार। अंग जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर अंगिका विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे विचार। और धान रोपनी करने गए मजदूर की ठनका गिरने से हुई मौत। आजादी के अमृत महोत्सव और देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सिल्क टीवी की ओर से सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में रविवार को अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा आयोजन समिति की ओर से अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के विभिन्न समितियों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। वहीं इस दौरान देशभक्ति गीतों के साथ शहर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा दिखाई दिया, जहां लोगों ने देश और तिरंगे के सम्मान में नारा लगाया। साथ ही आजादी की लड़ाई में शामिल सभी शहीदों और महापुरुषों को याद करते हुए तिरंगा लहराया। इधर आजादी के अमृत महोत्सव पर भागलपुर खानकाह पीर शाह दमड़िया के 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने सद्भावना समिति द्वारा निकाले गए तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को जल सेवा प्रदान की। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा को अनेकता में एकता का प्रतीक बताते हुए सभी लोगों से तिरंगा के सम्मान को बनाए रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वतन परस्ती और राष्ट्रीयता धर्म का अंग है, इसलिए लोगों को चाहिए कि राष्ट्र की सेवा में जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सदैव नेकी का कार्य करते रहें। वहीं खानकाह की ओर से हजारों लोगों के बीच पानी बिस्कुट का वितरण किया गया। सज्जादा नशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि आजादी की जंग में खानकाह पीर शाह दमड़िया के बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसके लिए त्याग और बलिदान भी दिया है। आजादी की लड़ाई में अपने पूर्वज द्वारा दिए गए योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सज्जादा नशी हजरत अशदुल्ला शाह ने एक अंग्रेज कलेक्टर को कोड़े से मारने का काम किया था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी उन्हें शूट एंड साइट का ऑर्डर खानकाह के बुजुर्गों के लिए जारी किया था। जबकि इसके अलावा अंग्रेज ने खानकाह की हजारों बीघा जमीन नीलाम करवा कर खुद कब्जा कर लिया। साथ ही खानकाह पीठ दमड़िया द्वारा पिछले 400 सालों से देश और समाज हित के लिए कार्य किए जाते हैं। मौके पर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, मुजफ्फर अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देशवासी अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं रैली का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रविवार को भागलपुर गनी चेक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल से बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों ने शहर का भ्रमण किया, जबकि प्रिंसिपल निगार सुल्तान के निर्देश में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने जय हिंद का नारा लगाते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। इधर स्कूल से शुरू हुई रैली हबीपुर चौक, करोड़ी बाजार और विभिन्न मार्गों से होते हुए स्कूल परिसर आकर समाप्त हुई। वहीं क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के निदेशक सैयद शाह रजी अहमद ने बच्चों को झंडा अधिनियम और इसकी उत्पत्ति समेत कई विषयों पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज अंतर्गत तिलकपुर में नाव डूबने से उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण अचानक नाव पलट गई, जिससे उस पर सवार 8 लोग गंगा में डूब गए, लेकिन इस दौरान 7 लोग तैर कर बाहर निकल गए, जबकि एक महिला नदी में डूब गई। मृतका की पहचान तिलकपुर निवासी अरुण यादव की पत्नी कंकिया देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नाव पर सवार सभी 8 यात्री गंगा के उस पार अपने मवेशी को चारा देने जा रहे थे, तभी तेज हवा के कारण नाव असंतुलित होकर बीच धार में डूब गई। हालांकि इसमें से 7 लोगों ने तो
तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण कंकिया देवी को ग्रामीणों द्वारा काफी प्रयास के बावजूद जिंदा नहीं बचाया जा सका। हालांकि महिला को बाहर निकालने के बाद आनन फानन में इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज BDO मनोज कुमार मुर्मू एवं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इसमें की लगभग 8 लोग सवार थे उस नाव पे और अनबैलेंस होने के कारण नाव गंगा जी में डूब गई। इसमें 2 महिला थी, कनकिया देवी एक विमला देवी और 6 पुरुष थे, मुनिलाल यादव, नागे यादव, भाले यादव, मिथिलेश कुमार, मन्नी यादव, ये सब व्यक्ति थे। जिसमें की नाव अनबैलेंस होने के कारण नाव डूबी, जिसमें की एक महिला की मृत्यु हुई है, जिसका नाम कनकिया देवी है। हमारे दोस्त ब्रजेश कुमार है, उसके पुत्र हुए कनकिया देवी का। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय अंगिका विभाग में अंग जनपद के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन अंगिका विभाग साहित्य कला के अध्यक्ष मधुसूदन झा और पटना से आए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लेखक ओम प्रकाश पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार के दौरान प्रकाश पांडे और मधुसूदन झा समेत कई वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डाला। मौके पर अंगिका विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शोभा तिवारी सहित कई छात्र मौजूद थे। स्नातकोत्तर अंगिका विभाग के तत्वावधान में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी के अमृत के महोत्सव मनाया गया है। वही क्रम में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के यहाँ प्रखंड स्तर तक की कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अंग जनपद में अंग जनपदी स्वतंत्रता सेनानी जी है, उनको परिवार के सम्मानित कर जाना है और हुनका द्वारा उनके संबंध में जो बात है वो स्पष्ट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर। सरहुला में ठनका गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान पोठिया पंचायत निवासी मोहम्मद शकील के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कलीमुद्दीन के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि मोहम्मद कलीमुद्दीन मोहद्दीनपुर भैयार में धान रोपनी के लिए खेत तैयार कर रहा था, तभी वर्षा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में अचानक आकाश में बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ खेत में ठनका गिर गया, जिसके चपेट में आने से मजदूरी कर रहे मोहम्मद कलीमुद्दीन की मौत हो गई। इधर घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं विजय कुमार यादव इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर पूरे शहरवासी, पूरे देशवासी, पूरे बिहारवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे शहरवासियों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि बड़े धूमधाम से इसे मनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगी। और जैसे कि सब जानते हैं कि मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे सतर्क रहें, कोविड से सतर्क रहें, वापस से केसेस बढ़ रहे हैं, और सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस टू योर फुलेस्ट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं विशहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों से मिली है और इस आज़ादी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। झंडे की तिरंगे की शान को हमें बरकरार रखना होगा और इसके लिए हर स्तर पर हमें भी अपने स्वार्थ की कुर्बानी देनी होगी, तभी आज़ादी बरकरार रहेगी और तभी तिरंगे का शान बना रहेगा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कांग्रेस परिवार की ओर से देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये कामना करता हूं कि देश अमन और शांति से आगे बढ़े। मैं नीसू सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष भागलपुर, तमाम देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव पर आप सभी देशवासियों एवं भागलपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, यही कामना करती हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुधु साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू, भागलपुर, आपको एवं
आपके पूरे परिवार मित्र बंधु को 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं विसरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गा दयाल, प्रमुख नाथनगर प्रखंड, आप सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगदीशपुर, संचालक कस्तूरबा गांधी विद्यालय जगदीशपुर, देशवासियों को आज़ादी के इस महोत्सव में हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की उन्नति में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अश्वनी चौधरी, समाज सेवी भवानीपुर देसरी पंचायत, संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ भागलपुर की ओर से समूचा भागलपुर वासियों को और देशवासियों को देश का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है उसकी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकार की ओर से घोषणा हुआ है, लेकिन ये हमारे सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है। वैसे तो हम लोग आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन हम लोगों को सोचना है कि कितने कष्ट से, कितने बलिदान और कितने शहीद हुए, तब जाके ये आज़ादी हम लोग मिली है। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव पर भागलपुर के पूरे विभिन्न संगठनों के और पूरे भागलपुर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भोला कुमार मंडल, भागलपुर अधिवक्ता। मैं निरंजन कुमार, डिफरेंस एकेडमी स्वरूपचक की ओर से आप तमाम बोराडी के जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं देवेंद्र भारती, पूर्व डब्ल्यू सिंह, जिला परिषद सदस्य दिव्या सिंह के प्रतिनिधि, देवेंद्र भारती गोराडी पूर्वी के तमाम जनताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 75वां दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे तमाम गोराडी पूर्वी के जनता को सुख दुख का मैं हमेशा साथी बना हूं और मैं बना रहूंगा। मैं गोपाल यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सह रंजना भारती, मुखिया पंचायत सह डहरपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ पर आप तमाम पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों, जिला वासियों की जनता को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी हार्दिक शुभकामना। मैं विजय कुमार कुशवाहा, पंचायत मुरहन जमीन की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम वासियों को, पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर मैं अपने प्रखंड वासी, पंचायत वासी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार जो सरकार का निर्देश है हर घर झंडा को फहराना है, तो निश्चित तौर पर हमारा तरसा दम्बचक पंचायत गोराडी प्रखंड निश्चित तौर पर घर घर जो प्रचार प्रसार हुआ है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सरिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोराडी, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गोराडी प्रखंड के सभी नागरिकों एवं आंगनवाड़ी परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल की गहराइयों से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र, भागलपुर जिला के लोग और बिहार के लोग और देश के लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मैं पिंकी देवी, मुखिया ग्राम पंचायत सारपुर के समस्त जनता को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं अनीता देवी, ग्राम पंचायत खासिया थोरैया बांका से आप सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ। मैं विवेकानंद सिंह, नानन पैर धोरैया बांका से समस्त देशवासियों को
75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। मैं रोहित प्रसाद, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा धोरैया से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं जितेंद्र कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल रजौन बांका से सभी ग्रामवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं महेश्वर प्रसाद राय, थाना प्रभारी धोरैया बांका से सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं देवेश कुमार गुप्ता, कार्यक्रम पदाधिकारी पीरपैंती, समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं कन्हैया कुमार, थानाध्यक्ष रसलपुर की ओर से संपूर्ण देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मोहम्मद कलीम, फाजिलपुर सकरामा पंचायत की ओर से सभी पंचायतवासियों एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं रामानंद कुमार और सुजीत, जिला परिषद सदस्य सनोला पूर्वी। मैं अपनी तरफ से समस्त सनोला प्रखंड वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय मध्य विद्यालय सनोखर हाट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रांगण में फहरा जाना है। आज के दिन इस 15 अगस्त के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं अपने छात्रों छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं यहां के जनप्रतिनिधिगण अभिभावकगण को मैं हार्दिक शुभकामना एवं इस उत्सव पर हमारे विद्यालय में आने का मैं आमंत्रण करता हूं। मैं डॉक्टर मुहिबुल्ला सभी भागलपुर क्षेत्र वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर तिलकामांझी थाना के समीप रविवार को एडवांस चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। अस्पताल का उद्घाटन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर रवीश रंजन, डॉक्टर रवि और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद केक काटा गया और नए अस्पताल खोलने पर लोगों ने डॉक्टर राजीव को बधाई दी। वहीं डॉक्टर इमराना रहमान ने अस्पताल से जुड़े चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह हॉस्पिटल तिलकामांझी क्षेत्र में नवजात शिशु से लेकर किशोर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगा, जबकि एडवांस चिल्ड्रन हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के संचालक से नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि अस्पताल में बच्चों के लिए सभी प्रकार का टीकाकरण, पैथोलॉजी जांच, फार्मेसी एवं ब्रेस्ट फीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। डॉक्टर ने जानकारी दी कि ACH में विशेषज्ञों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम है जो उच्च मानक उपचार प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास है बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसलिए एक ही छत के नीचे NICU, PICU, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेडिएंट वार्मर, CPAP, फोटोथेरेपी समेत कई तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और डॉक्टर सरफराज ने बताया कि तिलकामांझी इलाके में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक मशीनों से सुसज्जित अस्पताल की आवश्यकता थी। अब बच्चों की जटिल से जटिल बीमारियों के इलाज के लिए अभिभावकों को भागलपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर सुरेश राजपाल, रूपा रानी, कासिम बहराम, शैलेश जीनू, अनु सहित शहर के कई गणमान्य मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाई राजीव को, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड डायनेमिक यंग पीडियाट्रिशियन है और बहुत एनर्जेटिक है और बहुत अपने एफर्ट्स बहुत लगाता है एक बच्चे के पीछे, लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, उसको एकदम अडॉप्ट करके उसको ठीक करता है। और मेरे बहुत सारे IVF के छोटे बच्चों को, जो बहुत प्रीमेच्योर बेबीज हैं जिसको 24 आवर्स सर्वेलेंस की जरूरत होती है और कभी भी उसमें परेशानी हो सकती है, कभी एपनिया हो जाता है, कभी ब्रेथ होल्डिंग स्पैज़म है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर सकता है या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, ऑन हाई अलर्ट एंटायर टीम एज वेल एज द डॉक्टर हिमसेल्फ। एडवांस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम लोग NICU के केयर दे रहे हैं, जहाँ पे कि हम लोग नवजात बच्चे को जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे जो बच्चे जन्म से कमजोर हों, जिनका वजन कम हो, लाइक प्रीमेच्योर बेबी और वेरी लो बर्थ वेट बेबी, उन लोगों को हम लोग रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कि जो बर्थ एस्फिक्सिया होता है, इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत होती है, और उन्हें ऐसे बच्चे को हम लोग रखते हैं। और जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जिनको कि लंग जो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, उन लोगों को सर्फेक्टेंट थेरेपी किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे जिनको कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, जिसमें जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। 6 दिन वाले बच्चे का भी एक्सचेंज किया जाता है, और जो 6 दिन से ज़्यादा हैं, जिनका कि सेंट्रल लाइन नहीं लग पाता है, उनका पेरिफेरल रूट से भी यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। पीरपैंती प्रखंड कीर्तनिया पंचायत भवन में अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विभाग को रोकने के साथ जल जीवन हरियाली समेत कई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं ग्राम सभा में मुखिया शिव कुमारी देवी ने सभी लोगों के बीच तिरंगा वितरण किया और ग्राम सभा में आए हुए सभी लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। मौके पर वार्ड सदस्य अरुण मंडल, सुनीता देवी, द्वारिका नाथ दुबे समेत कई वार्ड सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। बांका के धौरैया प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत सगुनिया गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना की विफलता के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने करहरिया पंचायत के वार्ड 10 में विगत 6 महीने से नल जल योजना बंद रहने के कारण विरोध जताते हुए कहा कि गांव के लोग पानी के लिए काफी परेशान हैं, लेकिन वार्ड में जल नल योजना का कार्य नहीं हो रहा है। वहीं इसको लेकर ग्रामीण मोहम्मद जाहिद आलम और वार्ड सदस्य मोहम्मद असफाक आलम समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि उनके वार्ड में नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व यहां पर पानी का टंकी लगाकर पाइपलाइन बिछाया गया, जिसके बाद गांव में नल जल योजना से पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी, लेकिन आपूर्ति होने के महज कुछ महीने के बाद ही पाइपलाइन और ट्यूबवेल में खराबी आ गई और इसके बाद से गांव में नल जल योजना से जल आपूर्ति बंद पड़ी हुई है, जबकि फिलहाल टंकी महज शोभा की वस्तु बनी हुई है। साथ ही कहा कि जल आपूर्ति बंद रहने से लोगों के समक्ष पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसकी जानकारी भी कई बार पंचायत के मुखिया, जिला परिषद सदस्य और प्रखंड के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। बोरिंग जो पहले किया गया हुआ है, ये लोग बता रहे, पुराना वार्ड बता रहा है कि 240 फीट बोरिंग किया हुआ है, लेकिन यहाँ 90 फीट मात्र है। सुबह जब हम खोले उसको, आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि जितना उसमें पाइप है, 8 पाइप है और आगे अंदर नहीं जा रहा है। और बोरिंग सबमर्सिबल भी चेक किए, वो सही था, लेकिन बोरिंग में पानी नहीं है और पानी की वजह से मतलब अंदर भी नहीं जा रहा है ना बाहर जा रहा है। 90 फीट मात्र बोरिंग है, कैसे होगा पूर्ति जल?
भागलपुर के गुरहाड़ी प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में जनता ने NDA और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपना समर्थन दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने दूसरी बार जंगल राज और देश को लूटने वाले महागठबंधन के साथ जाकर जनता को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद को सबक सिखाएगी। मौके पर गुराड़ी पूर्वी जिला परिषद प्रतिनिधि देवेंद्र भारती उर्फ डब्लू सिंह, मंडल महामंत्री दिनेश कुशवाहा, जिला मंत्री सुरेंद्र मंडल, जिला युवा मोर्चा मंत्री कौशल कुमार, भाजपा नेता नवीन कुमार पासवान समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। ये धरना जो जनादेश का अपमान नीतीश कुमार जी ने किया है उसके विरोध में धरना था, जो आज पूरे कल परसों जो है प्रदेश में था, कल पूरे बिहार के हर जिले में था और आज बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के अपमान के लिए उसके विरोध में धरने का कार्यक्रम किया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में निकाली गई अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा, शहीदों और महापुरुषों को किया गया नमन। नाव पलटने से सुल्तानगंज में महिला की हुई मौत, मवेशी को चारा देने जा रही थे गंगा पार। अंग जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर अंगिका विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे विचार। और धान रोपनी करने गए मजदूर की ठनका गिरने से हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।